सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल बालवीर रिटर्न्स में अनन्या को हो चुकी है गलतफहमी रे को लेकर। दिन में देख रही है सपने अनन्या रे यानी कि नकाबपोश के। जी हाँ, अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनन्या जो दिन में ही सपना देखने वाली है कि रे कर रहा है हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता लेकर उसे प्रपोज। अब वो इतने सपने में खोने वाली है कि उसे ये एहसास ही नहीं होगा कि उसके आसपास हो क्या रहा है, और जब उसका ये सपना टूटेगा तो वो खुद थोड़ा हैरान हो जाएगी कि वो क्या देख रही थी। अब भाई एक तरह से तो अनन्या पूरी तरह से रे के प्यार में हो चुकी है पागल, लेकिन वहां दूसरी ओर अगर बात की जाए बालवीर के बारे में तो अब शो में एक मजेदार सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि शौर्य अब बालवीर को अखंड शपथ दिलाने वाला है। जी हाँ, ये शपथ होगी कुछ इस तरह की, अगर बालवीर ने इस शपथ को लिया तो वो ये शपथ बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा चाहे कुछ भी हो। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि शौर्य बालवीर को बुलाएगा अपने पास। बालवीर वहां उससे पूछेगा कि क्या हुआ, आखिरकार शौर्य ने उसे वहां क्यों बुलाया है। तब शौर्य उसे बताएगा कि मुझे एक बार फिर से किसी दूसरी शक्ति का आभास हुआ है। और वो शक्ति अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तब बालवीर कहेगा कि वो अपने बालवीर होने के फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो हमेशा धरती लोक को बचा कर रखेगा बुरी शक्तियों से। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि शौर्य ने यहाँ बुलाया है बालवीर को अखंड शपथ दिलाने के लिए। अब बालवीर ये शपथ लेने के लिए तैयार भी हो चुका है, लेकिन बता दे कि बाल परी जो उस समय वहीं पर होती है वो ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है। जी हाँ, बालपरी घबरा रही है इस अखंड शपथ से। तो आखिरकार क्या है वो वजह जिसकी वजह से शौर्य बालवीर से वो शपथ लेना चाहता है, क्योंकि बालवीर जो कहता है वो करके भी दिखाता है। तो आखिरकार फिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से बालवीर को शपथ लेनी पड़ेगी। भाई क्या है ये ट्विस्ट, ये तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते रहिए सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।